नमस्कार साथियों, पवन मुक्तासन। इस आसन से पवन अर्थात गैस सरलता से मुक्त हो जाती है, इसलिए इस आसन को पवन मुक्तासन कहा जाता है। यह आसन एक एक पांव से क्रमशः अथवा एक साथ दोनों पैरों से भी किया जा सकता है। पवन मुक्तासन करने की विधि। पीठ के बल सीधे लेट जाइए, दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाकर रखिए, फिर सीने में सांस को रोककर दायां घुटना भूमि से पेट की तरफ खींचिए और उसे दोनों हाथों से पकड़कर रखिए। फिर सिर को जमीन से ऊपर उठाकर मुंह से सीधे घुटने का स्पर्श कीजिए। पैर को आगे की ओर तना हुआ रखिए, सांस छोड़ दीजिए और दाईं जांघ से पेट की दाईं ओर के स्नायुओं को दबाकर रखिए। सांस को बाहर रोक सके तब तक रोकिए और अनुकूलता के अनुसार पेट को दबाए रखिए। इस आसन को दक्षिण पवन मुक्तासन कहा जाता है। इस प्रकार बाएं पैर से यह क्रिया की जाए तो उसे वाम पवन मुक्तासन कहा जाता है। इसके बाद यही क्रिया दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर कीजिए। इस स्थिति में पूर्ण पवन मुक्तासन हो जाएगा। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ते समय सांस को बाहर ही छोड़े रखिए, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर लंबे कीजिए। पैरों को गर्भधान के बाद यह आसन नहीं करना चाहिए। पवन मुक्तासन के लाभ। इस आसन से अधोवायु सरलता से निकल जाती है। इस आसन से शरीर की स्थूलता कम होती है और पेट पर चढ़ी हुई चर्बी की तहें दूर होती है। यह आसन हृदय रोग और फेफड़े के रोगों को रोकता है। गैस, मलावरोध, अनपच, गर्भाशय के रोग, पेड़ू की पीड़ा, कृमि रोग, आंत्र वृद्धि, वात रोग, अर्श, रक्त विकार, अफरा आदि रोग इस आसन से दूर हो जाते हैं। पवन मुक्तासन के नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है, पेट की वायु नष्ट होकर पेट विकार रहित बनता है, कब्ज दूर होता है, पेट में अफरा हो तो इस आसन से लाभ होता है। प्रातः काल में शौच क्रिया ठीक से ना होती हो तो पानी पीकर यह आसन 15-20 बार करने से शौच खुलकर होगा। इस आसन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। बौद्धिक कार्य करने वाले डॉक्टर, वकील, साहित्यकार, विद्यार्थी तथा बैठकर प्रवृत्ति करने वाले मुनिम, व्यापारी आदि लोगों को नियमित रूप से पवन मुक्तासन करना चाहिए।